विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का गांव बम्बू जाते वक्त रास्ते में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा तोदी मोटर्स पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेहवाल, सभापति नीलोफर गौरी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी, कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस गौरी, धर्मेंद्र किलका, आनंदीलाल प्रजापत सहित अनेक लोगों ने साफा पहना कर व माल्यार्पण करके डूडी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पार्षद मधु बागनेचा, पार्षद आसिफ खान असवान, आसिफ अली चौहान, सेवा दल के शंकर स्वामी, पार्षद सलीम कायडोके, लालचंद बेदी, सलीम गौरी, पार्षद सकूर, शब्जी फरोश, रामव्यास कुलड़िया, एडवोकेट सुरेश शर्मा, दुलीचंद, शुभम तोदी सहित अनेक लोग मौजूद रहे जिन्होंने डूडी का माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस अवसर पर रामेश्वर डूडी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार शुरू से ही किसानों की विरोधी रही है, क्योंकि जबरदस्ती किसानों पर लगाए गए काले कृषि कानूनों को जिस प्रकार से सरकार को वापस लेना पड़ा है वह अपने आप में शर्मनाक है। उन्होंने आगे कहा कि ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार अब शहीद किसानों को मुआवजा देने में भी नाटक करने लगी है। डूडी ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री का संसद में ये कहना कि सरकार के पास शहीद किसानों के बारे में कोई जानकारी आंकड़े नहीं है, ये काफ़ी शर्मनाक बात है। डूडी ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा प्रदेश में चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। सरकार का कृषि मंत्री ये कह रहा है कि हमारे पास में कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, कोई डेटा नहीं है। आप ये है कि आप सरकार में बैठे हो, किसान जो पूरे देश का किसान सड़कों में बैठा था उस टाइम कितने किसान शहीद हुए हैं, किस तरीके से पुलिस ने लाठी और गोलियां उस पर भांजी है, आपको पता नहीं है कि किसान कितने जो है उसमें शहीद हो गए, कितने किसानों को आपने जो लाठियों और गोलियों से मार दिया। आज आपके पास में डेटा नहीं, कितने शर्म की बात है। तो केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है, गरीब और मजदूर विरोधी सरकार है। आने वाले समय के अंदर हम लोग एकता और संगठन से मजबूत तरीके से काम करेंगे, उस गांव की चौपाल के अंदर जाएंगे, लोगों के किसानों के मजदूरों के बीच में बैठेंगे और उनसे बात करेंगे, उस पर चिंतन और मंथन करके आने वाले समय के अंदर ये देश की जनता जो केंद्र में बैठी हुई जो निकम्मी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनको घर का रास्ता दिखा। सुजानगढ़ पुलिस थाने में शंकर राम पुत्र गिरधर राम गिवारी निवासी ग्राम लिकमणसर ने कार चोरी हो जाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को शंकर राम ने बताया कि 1 दिसंबर को शाम 6 बजे नया बस स्टैंड के पास अपनी सफेद रंग की बोलेर कार को पार्क करके अमर सिंह भाटी के घर पर शादी समारोह में शरीक होने के लिए गया था, जहाँ से वापस रात को 8 बजे अपनी गाड़ी के पास आया तो कार वहाँ पर नहीं मिली। पुलिस को शंकर राम ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति उसकी कार चोरी करके ले गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।